ऐसे राइटिंग या एकेडमिक एसेज, अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि एकेडमिक राइटिंग या एकेडमिक एसेज में क्या फर्क है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एकेडमिक राइटिंग जो है दैट इज द अम्ब्रेला, और एकेडमिक एसेज जो है ये उसके अंडर एक यानी सब आप टाइप कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसेज होते क्या है। जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो आपको मे भी आंसर आता भी हो तो आप उसका आंसर नहीं कर पाते। सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करें कि एसेज होते क्या हैं। एसेज क्या होते हैं? टू अटेम्प्ट टू कन्विंस द ऑडियंस। नेक्स्ट, एकेडमिक एसेज जो आपका क्वेश्चन होता है, इट इज अ फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग दैट डेवलप्स एन आइडिया और आर्गुमेंट यूजिंग एविडेंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। राइटिंग प्रोसेस, हर राइटिंग का एक प्रोसेस होता है, इसी तरह ऐसे राइटिंग का भी एक प्रोसेस है। देयर आर थ्री मेन स्टेजेस। नंबर वन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आपने क्या करना होता है? डिसाइड ऑन योर टॉपिक, डू योर रिसर्च, क्रिएट एन आउटलाइन। ये आपकी प्रिपरेशन है जब आप ऐसे राइट कर रहे होते हैं। ये क्विकली आपने, जैसे ही आपके पास पेपर आता है, अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है तो आप क्विकली ये आपकी प्रिपरेशन अपने माइंड में उसकी आउटलाइंस ये सारा कुछ डिसाइड कर लेना है। सेकंड, राइटिंग। सेट आउट योर आर्गुमेंट्स इन इंट्रोडक्शन, डिवेलप इट विद एविडेंस इन द मेन बॉडी, रैप इट अप विद अ कंक्लूजन। रिविजन होती है हमारी, थर्ड प्रोसेस है हमारा रिविजन, या आप इसे प्रूफ रीडिंग भी कह सकते हैं। चेक द कंटेंट, जो आपने वहां पे कंटेंट्स दिए उनको चेक करें। ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सारी ठीक है इसकी कि नहीं है। ग्रामर, इसके आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक कर लें। एंड स्पेलिंग्स, और स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से दोबारा एक रिव्यू ले लें। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर में क्या आता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। नंबर टू, बॉडी। नंबर थ्री, कंक्लूजन। यानी आपने अपने ऐसे को जब भी राइट करना है तो ये थ्री उसके जो पार्ट्स हैं इसको माइंड में रखते हुए आपने अपना ऐसे जो है वो अटेम्प्ट करना है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, मैंने आपको वेब के थ्रू समझा दिया है कि हुक योर रीडर। आपने अपने रीडर को जो है उसके अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो अरोज करनी है। उसके बाद प्रोवाइड बैकग्राउंड, आपके जो स्टेटमेंट है उसका आप बैकग्राउंड देंगे। प्रेजेंट थीसिस स्टेटमेंट, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट यानी जो आपका टॉपिक है वो आप प्रेजेंट करेंगे, उसका इंट्रो देंगे। फिर उसके बाद मैप द स्ट्रक्चर, आपने अपने स्ट्रक्चर को मैपिंग कर लेनी है कि मैंने कैसे जो है इसे फर्दर आगे इसमें मूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी। बॉडी में मैं आपको बताता चलूं कि इसकी लेंथ का बहुत ही ख्याल रखना है, क्योंकि जो लेंथ होती है दैट मैटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और मोस्टली 60-80% जो हमारा ऐसे होता है वो हमारा बॉडी में ही कवर हो रहा होता है। यानी आपकी जो बॉडी होगी वो आपके ऐसे के जितने वर्ड्स लिमिट है उसकी 60-80% बॉडी पे ही होंगे वर्ड्स।
इसमें क्या होगा, आपने बॉडी में किस चीज को अपने माइंड में रखना है कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर, आपने पैराग्राफिंग करनी है, वन पैराग्राफ, टू पैराग्राफ, थ्री पैराग्राफ्स में ले दें, बहुत अच्छे राइटर हैं, तो वन टू थ्री पैराग्राफ्स के अंदर आप इसे कन्वर्ट करके आप एक्सप्लेन करते जाएंगे। सपोर्टिंग डिटेल्स आप देंगे, जो आपने बात कर रहे हैं उसके साथ आप सपोर्ट करते जाएंगे अपने आर्गुमेंट्स को। फिर आ जाता हमारा कंक्लूजन। बात याद रखिएगा, कंक्लूजन के अंदर जो हमारा फाइनल पैराग्राफ होता है वो 10-15% जो होता है वो कंक्लूजन में होता है। आपका कंक्लूजन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द एंड। वो कहते हैं ना कि आपका एक इंट्रो और कंक्लूजन, ये आपकी राइटिंग को जो है वो डिफाइन कर रहा होता है कि आप कितने स्ट्रॉन्गली जो है अपने कमेंट्स को, अपने कंटेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। शोज व्हाई योर आर्गुमेंट्स मैटर, आपके ये आपने प्रेजेंट करना है कि आपके आर्गुमेंट्स क्यों मैटर करते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनल इंप्रेशन, कंक्लूजन जो होता है वो आपका फाइनल इंप्रेशन होता है। एक आपका इंट्रो आपका इंप्रेशन छोड़ता है, दूसरा आपका कंक्लूजन जो है वो एक इंप्रेशन देता है कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है एसे राइटिंग का, इसके अंदर आप कंक्लूजन के थ्रू क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। उसके बाद आप समराइज करेंगे, और समराइज जो करेंगे दैट मस्ट बी इंपैक्टफुल, उसके अंदर एक इंपैक्ट होना चाहिए ताकि जो रीडर है वो उसे जब अंडरस्टैंड करेगा तो उसके ऊपर एक इंपैक्ट जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, क्योंकि पेपर में 2-3 टाइप्स में एसेज आते हैं, और ये यकीन करें कि ये आपके 40 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 20-20 मार्क्स का या 15-15 मार्क्स के दो टॉपिक भी आ जाते हैं या एक टॉपिक भी आ जाता है। तो हम आते हैं टाइप्स की तरफ, क्योंकि जब तक आपको उसकी टाइप का नहीं पता होगा तो आप उसको उसके मेथड के हिसाब से सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो पहली जो इसकी टाइप है दैट इज द नरेटिव एसेज। नरेटिव एसेज में क्या होता है, टेल अ स्टोरी, यानी आप एक स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम नरेट कर रहे होते हैं दैट इज आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हम इसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक भी दिए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड कर लें कि ये कौन से एसेज हो सकते हैं, नरेटिव एसेज यानी उनका टॉपिक क्या होगा। तो टॉपिक में है जैसे फर्स्ट डे एट कॉलेज, फर्स्ट डे एट स्कूल, फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी, ऐसे टॉपिक हो सकते हैं। सेकेंड, योर मोस्ट इंजॉयबल डे, यानी डे हो सकता है, प्लेस हो सकती है, इवेंट हो सकता है। तो इस तरह के जो एसेज होते हैं दीज आर कॉल्ड नरेटिव एसेज। सेकेंड हमारे पास टाइप है डिस्क्रिप्टिव एसेज। इसमें क्या होते हैं, प्रोवाइड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ योर टॉपिक, हम इसके अंदर अपने टॉपिक की जो है वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं। अच्छा, वो टॉपिक क्या हो सकते हैं, दैट मे बी पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट, कोई भी चीज, यानी आप उसकी डिटेल्ड आप जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव एसे। अब हम इसकी देखते हैं कि हमारे पास इसमें आप क्या करेंगे कि दीज आर लाइक नरेटिव एसेज। ये भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि दीज आर नरेटिव एसेज। कैसे, ऑफन फोकस ओनली ऑन द सब्जेक्ट, आप इसमें क्या करते हैं कि ओनली ऑन द सब्जेक्ट पे आप फोकस करते हैं। यूज विविड इमेजरी और एक्शंस, थॉट्स, सेंसरी डिटेल्स एंड इमोशंस, आप इसके अंदर ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि उसके अंदर आपके एक्शंस, थॉट्स, सेंसरी डिटेल्स आ जाती हैं और इमोशंस भी आपके उसके अंदर जो है आपकी राइटिंग के अंदर वो आप एक्सप्रेस करते हैं ताकि रीडर को आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी उस राइटिंग से। जैसे टॉपिक क्या हो सकते हैं जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एसेज के, जैसे डिस्क्राइब द प्लेस यू लव्ड एज अ चाइल्ड, तो जब आप बचपन में एक प्लेस को, किसी प्लेस को आपने जो है वो लाइक किया था, तो वो कैसे आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। जाहिर बात है आप उसके अंदर ऐसी पिक्चर देंगे, आपने देखे राइटिंग एक दैट इज द आर्ट, इस आर्ट के थ्रू पढ़ने वाले को आप ऐसे मजबूर कर दें कि वो पढ़ता हुआ ऐसे लगे कि ही इज इन द रियल वर्ल्ड, कि वो वर्ड्स नहीं पढ़ रहा बल्कि ही इज वॉन्डरिंग ओवर देयर, ही इज इन इन द सीन, कि वो अपने आप को ऐसे फील करे कि वो सीन के अंदर है। उसके बाद हमारे पास
एक्सपोजिटरी एसेज। एक्सपोजिटरी एसेज में क्या होता है कि हमारे को एक्सप्लेन टॉपिक न्यूट्रल हो गई, आप बिल्कुल न्यूट्रल होके उसे जो है एक्सप्लेन करते हैं। अवॉइड इमोशंस और ओपिनियन, आप इसमें इमोशंस और ओपिनियन की बात नहीं करेंगे बल्कि फोकस ऑन द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आप इसके अंदर जो है फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर हम फोकस करते होते हैं। इसमें टॉपिक कौन से हो सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन व्हाई टीन डू ड्रग्स। फोर्थ टाइप है हमारे पास कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के एसेज लाजमी पेपर में आ जाते हैं, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इसलिए वो उस एसे को उस वे में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते जो उसका वे ऑफ राइटिंग होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने डिस्कस टू सब्जेक्ट्स एंड डिटेल द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। आपने दो सब्जेक्ट्स के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को डिफाइन करना होता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्ट, जो चीजें उनमें कंट्रास्ट है वो दोनों की सेपरेट हो जाती हैं, जो सिमिलरिटीज हैं वो दोनों की जो सेम होती हैं उनको आपने वैसे सेम बताना होता है। उसके बाद क्या होता है कि वन पैराग्राफ टू एक्सप्लेन सिमिलरिटीज, एक आपका पैराग्राफ सिमिलरिटीज पे होना चाहिए। कीप इट इन योर माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं कि एक पैराग्राफ सिमिलरिटीज पे होना चाहिए और एक पैराग्राफ, वन पैराग्राफ टू डिस्कस डिफरेंसेस, एक पैराग्राफ डिफरेंसेस पे होना चाहिए। इसमें टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, आप अक्सर परेशान होते हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट के टॉपिक्स कौन से हैं। बल्क में टॉपिक्स पड़े हुए हैं, मैंने एक दो टॉपिक आपको साथ दिए हैं इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, जैसे ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम लर्निंग। यानी ई लर्निंग क्या होती है, जैसे कि आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ई लर्निंग क्या है और क्लासरूम लर्निंग में, इन दोनों में अक्सर लर्निंग ही है ना, तो लर्निंग ऐसे समझ लें कि जो इनकी सिमिलरिटीज हैं। अब ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग जो है ये दैट इज द डिफरेंसेस, इनके यानी कंट्रास्ट में आ जाते हैं। तो ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट के एसेज हैं। इसी तरह आप रूरल लाइफ और उसके बाद अर्बन लाइफ को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये टॉपिक्स जो हैं ये कहलाते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज। नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक, हमारे पास फिफ्थ नंबर पे, यानी इसकी जो टाइप मैं कह सकता हूं कि वो है आर्गुमेंटेटिव एसेज। आर्गुमेंटेटिव एसेज क्या होते हैं, ट्राई टू कन्विंस द रीडर टू टेक अ सर्टेन साइड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। यानी आप कन्विंस करते हैं अपने रीडर को कि वो इंफॉर्मेशन की बेस पे किसी एक साइड पे जो है वो उसे एक्सेप्ट करें। रिलाय ऑन फैक्ट्स रादर देन इमोशंस, आप फैक्ट्स के ऊपर जो है वो रिलाय करते हैं ना कि इमोशनली आप उसको जो है एक्सेप्ट करेंगे। वाइट फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, इसके अंदर आप फर्स्ट पर्सन अपनी कोई राय नहीं दे सकते, यू की राय नहीं दे सकते, यानी सेकंड पर्सन हमारे पास यू होता है उसकी कोई राय नहीं दे सकते। वेल रिसर्च बेस्ड ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो ऑगमेंटेटिव एसेज होते हैं। इनमें टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, जैसे शुड सेल फोन बी बैंड फॉर किड्स, ये हमारे पास है। आप इसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि क्यों बैंड होने चाहिए, ये हमारे पास आर्गुमेंट देंगे आप, और अपने आर्गुमेंट्स के थ्रू ही आप रीडर को कन्विंस करेंगे कि वो उसे एक्सेप्ट करे। शुड कॉलेज बी फ्री, नेक्स्ट हमारी टाइप है पर्सुएसिव एसेज। इसमें क्या करना होता है और इसका क्या पर्पज होता है, इन एसेज को क्यों राइट किया जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं जिनके ऊपर हम पर्सुएसिव जो है वो टॉक कर सकते हैं। एम टू परसुएड द रीडर्स टू टेक अ साइड यूजिंग फैक्ट्स एंड इमोशनल अपील्स, इंक्लूड मॉरल एंड इमोशनल रीजनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉरल और इमोशनल रीजनिंग की जो है वो हम अपील करते हैं, इंक्लूड करते हैं ताकि रीडर्स जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, उनको मोटिवेट किया जा सके। इसमें टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, इसमें टॉपिक्स हो सकते हैं डज सोशल मीडिया इंप्रूव आवर सोसाइटी, इस किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो पर्सुएसिव एसेज में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ये आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ होता है कॉज एंड इफेक्ट्स का। कॉज एंड इफेक्ट क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे जिसके अंदर जो है वो डिटेल देते हैं
give detail why certain events or situation led to the other event. जैसे कि मैंने कॉज एंड इफेक्ट्स के आपको सेंटेंसेस भी पढ़ाए हैं कि एक जो है वो कॉज होती है तो उसके इफेक्ट में क्या जो है वो रद्द अमल आते हैं. तो इसी तरह इसमें हम और क्या चीजें हैं कि जो चीज हम ऐड करते हैं अपने कॉज एंड इफेक्ट्स में, देयर आर टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी एसेज. ये जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी एसेज. ये एक्सपोजिटरी एसेज की तरह ही के होते हैं और स्टेट फैक्ट्स एंड अवॉइड सब्जेक्टिव ओपिनियंस. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम फैक्ट्स एंड अवॉइड सब्जेक्टिव ओपिनियंस, सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं देते बल्कि जो फैक्ट्स हैं उन्हीं के बेस पे ही हम बात करते हैं. टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, जैसे व्हाट कॉजेस डाइवोर्स, के कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से जो है वो डाइवोर्स हो रही हैं, व्हाट कॉजेस, क्या रीजंस हैं, आप इसके कॉज और इफेक्ट्स पे दोनों बताएंगे. इसी तरह व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स, स्ट्रीट क्राइम्स की जो वजूहत हैं वो भी आप बताएंगे, उनके इफेक्ट्स बताएंगे. इसी तरह हमारे पास जो लास्ट टाइप है दैट इज द क्रिटिकल एसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही यानी कॉम्पिटेंट है राइटिंग में वो ये एसेज जो है बड़े इजिली राइट कर लेते हैं. जैसे इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड एन इन डेप्थ डिटेल्स, इसके अंदर इन डेप्थ डिटेल्स होती हैं, एनालिसिस होते हैं, यानी जो भी आप बात करेंगे वो इन डेप्थ करेंगे, बनी फुल डिटेल के साथ बात करेंगे. दैट कैन बी बुक्स, यानी ये ऐसे जो है वो क्रिटिकली हम किसी के क्रिटिकली किसी चीज का हम जो है जैसे बुक का कर सकते हैं, यानी हम मूवीज के बारे में कर सकते हैं, प्लेस के बारे में कर सकते हैं, इसी तरह रेस्टोरेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं. दीज एसेज आर कॉल्ड क्रिटिकल एसेज. इसमें हम क्या करेंगे, बात फिर वही बात आ जाती है, यूज फैक्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट टू जस्टिफाई. हम जो है वो फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि हम अपने जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो कंटेंट्स पेश कर रहे हैं, उनमें जो है वो हम जस्टिफिकेशन लेके आ सकें. ये टॉपिक कौन से हो सकते हैं, इन टॉपिक में जैसे आ सकता है कि इन व्हाट वेज कैन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बी इम्प्रूव्ड, वो कौन से वेज हैं, यानी किन वेज के थ्रू हम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है. क्रिटिकली आप रिसर्च बेस्ड, शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि ये रिसर्च बेस्ड हमारे जो एसेज होते हैं इसके अंदर बहुत रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद ही फिर आप जो है इस काबिल होते हैं कि कोई अच्छे एसे जो है वो राइट कर सकते हैं.